इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और जिसे हिंदी में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं पर चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या होता है और कुछ परिभाषाओं के माध्यम से हम इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि जो अर्थशास्त्र विषय है उनमें अर्थशास्त्र के किन किन भागों का हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं, वे कौन सी समस्याएं हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं। जब हम माइक्रो शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम जानते हैं कि माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब छोटा और छोटे का मतलब, जब हम सूक्ष्म कहते हैं तो जितना छोटे से छोटा वो हो सकता है वो, और सबसे छोटी इकाई को हम लोग सूक्ष्म कह सकते हैं किसी भी विषय वस्तु की। और हम जानते हैं कि ये ग्रीक शब्द माइक्रो से लिया गया है जहाँ उसका अर्थ छोटे या स्मॉल से ही होता है। मुख्य तौर पर माइक्रो शब्द को हम लोग विज्ञान में यूज करते हैं, प्रयोग करते रहे हैं, और उसी शब्द को जब हम अर्थशास्त्र में प्रयोग करते हैं तो अर्थशास्त्र में वो कुछ विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। और उसी दृष्टि से उसकी हिंदी भी हम वैसे तो देखें तो सूक्ष्म लिख सकते हैं और सूक्ष्म अर्थशास्त्र, लेकिन सूक्ष्म से वो जो भाव निकलना चाहिए अर्थशास्त्र के दृष्टि से वो नहीं निकलता है। और अभी हम देखेंगे कि व्यष्टि शब्द का प्रयोग करने से वो भाव जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है वो हमारे समक्ष निकलता है। और इस नाते सामान्य तौर पर हम इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। यहाँ हम आपको ध्यान दिलाते हैं कि पहले हम ये जान लें कि अर्थशास्त्र क्या है, और अगर अर्थशास्त्र क्या है ये हम जान जाएं तो फिर ये देखने का प्रयास करेंगे कि उसमें सूक्ष्म क्या है, और उसमें अगर सूक्ष्म से कुछ बड़ा होता तो जिसे हम बृहद कह सकते हैं, जिसे हम संपूर्ण कह सकते हैं, और जिसे हम समग्र कह सकते हैं, वो कुछ भाव होगा। इसका मतलब है कि अगर कुछ छोटा है तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा भी है, और इस छोटे बड़े को हम लोग माइक्रो और माइक्रो दो शब्दों से संबोधित करते हैं। और माइक्रो के लिए हम लोग समष्टि शब्द प्रयुक्त करेंगे, और समष्टि जिसका अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण। और इस रूप में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को हम दो भागों में बांटते हैं। तो ये अर्थशास्त्र में किसको व्यष्टि कहेंगे, किसको समष्टि कहेंगे, और अगर उस रूप में हम देखने का प्रयास करें तो हम केवल मार्शल की परिभाषा का अगर हम उल्लेख करें आपको, जब वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि अर्थशास्त्र जो है मानव या मनुष्य की साधारण क्रियाओं का अध्ययन करता है, और इट स्टडी दोज पार्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। अब देखिए दो शब्द और प्रयोग होता है, ये है वैयक्तिक या व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों का अध्ययन करता है। इसका मतलब है कि अर्थशास्त्र में दो तरह के कार्यों का अध्ययन होता है, एक कार्य वैयक्तिक होता है और एक कार्य सामाजिक या सामूहिक होता है। और जहां हम ये सामाजिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सोशल एक्शन का, उसका अर्थ समग्रता से है, संपूर्णता से है। तो इस दृष्टि से मानव की क्रियाओं का अध्ययन होगा अर्थशास्त्र में, जो सामान्यतः व्यक्ति अपने जीवन में करते हैं,
और यह वैयक्तिक और सामाजिक दोनों तरह के क्रियाओं का अध्ययन करता है। अगर हम प्रोफेसर रॉबिन्स के परिभाषा को यहाँ ले आए और वो भी कहते हैं कि इकोनॉमिक साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, यहाँ भी वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। किस रूप में, आगे आप जानते हैं कि वो कहते हैं कि वो जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं और जो उसकी अनंत आवश्यकताएं हैं, इन सीमित साधनों से अनंत आवश्यकताओं को पूरा करने का वो प्रयास करता है और इस दृष्टि से वो मैक्सिमम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो जो अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं वो हम एक तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वैयक्तिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, सामाजिक या समग्रता के रूप में हम इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं और ये दो भाग होते हैं, एक वैयक्तिक और दूसरा होता है सामाजिक या संपूर्ण या एग्रीगेट या समग्र या होल, इस रूप में। और यहाँ और एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो संपूर्ण है अर्थशास्त्र में मानव का जो एक सामाजिक रूप है और जो समग्रता है, उस समग्रता को जिस किसी भी रूप में हम वर्णित करें, उसको हम एक इकोनॉमी के रूप में देखें, पूरी अर्थव्यवस्था के रूप में देखें, और ये अर्थव्यवस्था एक राजनीतिक व्यवस्था होगी जिसमें एक विशेष क्षेत्र होगा, उस विशेष क्षेत्र में जितने लोग रहते होंगे, इन सारे लोगों को जब हम एक में मिला के जोड़ेंगे तो हम इसको कहेंगे ये समूह है, बड़ा समूह है, ये एग्रीगेट है। और जब हम इनमें इकाइयों को छोटी रूप में देखेंगे, और सबसे छोटा कौन सा रूप होगा मनुष्य का, मनुष्य का सबसे छोटा रूप एक मनुष्य एक व्यक्ति होगा। और आर्थिक क्रियाएं कौन सा करता है, उत्पादन करता है, उपभोग करता है, तो ऐसे स्थिति में एक उपभोक्ता होगा, एक उत्पादक होगा। इसी रूप में हम जो हमारी सबसे छोटी इकाई है वो एक व्यक्ति है, और जब हम वस्तुओं के रूप में देखेंगे तो एक वस्तु। और इस रूप में हम देखते हैं वैयक्तिक इकाइयों को और इस वैयक्तिक इकाइयों के समग्र समूह को। तो इकाइयां जब वैयक्तिक होंगी, इंडिविजुअल होंगी, जिसको हम कहते हैं एक पर्टिकुलर यूनिट होगी, तब हम उसको कहते हैं ये माइक्रो या सूक्ष्म रूप है उसका, या छोटा रूप है, सबसे छोटा रूप है। और जो बृहद रूप है वो इन समस्त इकाइयों का योग है। अब यहाँ एक बात और हम आपको उल्लेख कर दें, जब हम इकाइयों को जोड़ते हैं और अगर आप वस्तुओं की इकाइयों को जोड़ेंगे तो एक अर्थव्यवस्था में असंख्य वस्तुओं की इकाइयां होती हैं, उत्पादक वो उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली इनपुट से आदतों के रूप में इकाइयां हो सकती हैं, जो अंततः किसी रूप में उत्पादन प्रक्रिया में उपभोग की जाती हैं, उपयोग की जाती हैं, या वो उपभोग की इकाइयां हो सकती हैं जिन्हें व्यक्ति अपने उत्पाद अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग करता है, संतुष्टि प्राप्त करने। तो ऐसी स्थिति में अब जब असंख्य वस्तुएं देश में हैं, किसी अर्थव्यवस्था में हैं, तो जब हम इन सभी वस्तुओं को एक में जोड़ेंगे तो ये इसका समग्र रूप होगा। लेकिन अगर किसी एक वस्तु की इकाई को पूरी अर्थव्यवस्था में उसके कुल उत्पादन को, उसके कुल उपभोग को जोड़ेंगे, तो क्योंकि असंख्य वस्तुएं हैं उनमें से किसी एक वस्तु के उत्पादन या उपभोग का की हम चर्चा अगर करते होंगे तो ये वस्तु के उत्पादन या उपभोग या उससे संबंधित किसी भी चीज़ का जब हम अध्ययन करेंगे तो ये वैयक्तिक इकाई मानी जाएगी, ये समग्र नहीं मानी जाएगी, भले ही हम पूरी अर्थव्यवस्था में किसी एक इकाई के समग्र योग का अध्ययन कर रहे होंगे। तो इस रूप में जब हम देखते हैं तो हम
किसी भी परिभाषा पर पहुंचने के पहले या माइक्रो की व्याख्या करने के पहले हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि माइक्रो या व्यष्ट या सूक्ष्म का जो अर्थशास्त्र में अर्थ है वो वैयक्तिक इकाइयों से है। ये इकाइयाँ उपभोक्ता के रूप में, व्यक्ति के रूप में हो सकती हैं, ये किसी वस्तु की इकाई के रूप में हो सकती हैं या किसी एक वस्तु के संदर्भ में हो सकती हैं। अब एक और स्वरूप हमारे सामने उभर के आता है कि छोटी इकाइयों और बड़ी इकाइयों को कैसे विभाजित करें। अब ये व्यक्तियों का एक छोटे छोटे कई समूह होता है जो समग्र नहीं होता, जैसे एक व्यक्ति और एक परिवार, हाउस होल्ड जिसको आप कह सकते हैं। तो एक व्यक्ति तो एक व्यक्ति हुआ, अपने बारे में किस तरह का वो निर्णय लेता है स्वतंत्र रूप अकेले, और एक पारिवारिक यूनिट के रूप में जो निर्णय लिए जाते हैं उत्पादन उपभोग विनिमय जितने वितरण जिस किसी भी संदर्भ में, वो क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था में लाखों करोड़ों परिवार होते हैं, उनमें से किसी एक परिवार का हम अध्ययन करते हैं तो कहा जाता है कि कुल पारिवारिक जो इकाइयां हैं उनमें से किसी वैयक्तिक इकाई का हम अध्ययन करते हैं। तो इस परिवार जिसको जो उपभोक्ता का एक छोटा समूह है और अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा अंग है, इसको हम वैयक्तिक इकाई या सूक्ष्म इकाई देखेंगे। तो उपभोक्ता के रूप में जो इकाइयाँ होती हैं वो उनको दो भागों में हम देखते हैं, या तो वो वैयक्तिक होंगी सिंगल पर्सन, या तो उनका एक छोटा सा समूह जिसे हम परिवार कहते हैं, हाउस होल्ड कहते हैं, वो होगा, ये वैयक्तिक इकाइयाँ होंगी। जब हम उत्पादन के संदर्भ में जाएंगे, उत्पादक के संदर्भ में जाएंगे, तो वहाँ भी अगर कोई एक उत्पादक है अकेला और वो उत्पादन संबंधी कार्य करता है तो वो एक उत्पादक होगा, और कई बार कई सारे लोग मिलके उत्पादन का काम करते हैं तो हम उनको कह सकते हैं कि वो फर्म हैं, और फर्म में कई सारे लोग हैं तो ये फर्में वैयक्तिक अगर हैं तो एक उत्पादक है, और अगर एक समूह है और जो एक कंपनी बना के उत्पादन का कार्य करता है, और इसी तरह से देश में असंख्यों लाखों करोड़ों कंपनियां हैं, औद्योगिक समूह हैं, तो ये जो एक इंडिविजुअल या पर्टिकुलर जो समूह होगा उस समूह को हम फर्म का अगर नाम दें तो ये कह सकते हैं कि एक वैयक्तिक उत्पादक या एक फर्म, और फर्म जिसमें कई सारे लोग मिलकर एक साथ काम करते उत्पादन करते हैं। तो ये जो छोटा समूह उत्पादकों का है फर्म के रूप में, और या स्वतंत्रता एक अलग एक वैयक्तिक उत्पादक के रूप में, ये भी स्मॉल ग्रुप होगा, और जिसको हम कहेंगे ये अर्थशास्त्र में व्यष्टि होगा, ये माइक्रो होगा, और इसके सारे व्यवहार का जो भी उत्पादन संबंधी वो निर्णय लेता है, किस वस्तु का उत्पादन करना, कितना उत्पादन करना, जैसे भी जितने भी निर्णय उत्पादक संबंधी क्रियाएं हैं उन सारी क्रियाओं के अध्ययन को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ले आएंगे या पढ़ेंगे। यही अभी जैसे हम पीछे आपको उल्लेख कर रहे थे कि किसी एक वस्तु के उत्पादन करने वाले अर्थव्यवस्था में असंख्य उत्पादक होंगे, लाखों हजारों, और उनमें से हम किसी, और इसी तरह से तमाम वस्तुएं हैं उत्पादन की वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं, आप सोच सकते हैं असंख्य वस्तुएं देश में उत्पादित होती हैं, उनमें से किसी एक वस्तु के सारे उत्पादकों को हम समग्र रूप में अगर ले आए तो वो हमारे कुल उत्पादकों जो समग्र अर्थव्यवस्था में फैले हुए हैं, समस्त वस्तुओं के सब उत्पादक हैं, उनका एक छोटा सा अंश होगा। और इसलिए जब किसी एक वस्तु की सारी फर्मों के योग को हम देखते हैं तो ये भी अर्थशास्त्र में माइक्रो या व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय होगा, और इस समूह को हम किसी एक वस्तु का उद्योग कहते हैं या इंडस्ट्री कहते हैं। तो जब किसी एक वस्तु की इंडस्ट्री का उद्योग का हम बात करेंगे
किसी एक वस्तु के ध्यान रखें, किसी एक वस्तु के उत्पादन, किसी एक वस्तु के उपभोग का हम जब चर्चा करेंगे, किसी एक वस्तु के उपभोक्ताओं, किसी एक वस्तु के उत्पादकों की, तो ये सारे निर्णय जो हैं, ये सारे अध्ययन जो हैं वो व्यक्तिगत या व्यष्टि अर्थशास्त्र के होंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब हम व्यष्टि की बात करते हैं या सूक्ष्मता की बात करते हैं, तो ये सूक्ष्म जो इकाइयाँ हैं ये उपभोक्ता के रूप में व्यक्ति है और परिवार है, और उत्पादक के रूप में एक उत्पादक है, एक फर्म है, किसी एक वस्तु का उद्योग है, विशिष्ट उद्योग जिसको हम कह सकते हैं, अनेक वस्तुएं हैं, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, ऐसे। तो एक एक उद्योग जो होगा, इसकी सारी फर्मों का जो समूह होगा उसको भी हम व्यष्टि के रूप में देखेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में असंख्य वस्तुएं हैं, उनमें से किसी एक वस्तु के उत्पादन की हम का अध्ययन वहां कर रहे होंगे। इसी तरह जब हम इस प्रकार के दो वैयक्तिक इकाइयों, चाहे वो उत्पादक हो चाहे उपभोक्ता हो, उनका जो हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, वैयक्तिक जो पर्सनल वो करते हैं तुलना, तो ऐसी स्थितियों में इस अध्ययन को भी हम इंटरपर्सनल कंपैरिजन जिसको कहते हैं, तो इस जब हम उनकी अलग अलग इकाइयों के रूप में अध्ययन करेंगे तब भी, और जब हम इनका इंटर पर्सनल कंपैरिजन करेंगे दो इकाइयों की, चाहे वो उत्पादक उपभोक्ता परिवार इंडस्ट्री फर्म किसी रूप में होगी, तो ऐसे तुलनात्मक अध्ययन को भी इंटर पर्सनल कंपैरिजन को भी हम वैयक्तिक अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम अभी समष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल नहीं जा रहे हैं, लेकिन केवल आपको ध्यान दिला रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो संपूर्ण या समग्र का अध्ययन है, और संपूर्ण या समग्र जब हम कहते हैं तो उनको अलग अलग आधारों पर समग्रता को हम देखते हैं, किस रूप में। अभी हम देख रहे हैं एक अर्थव्यवस्था के रूप में, तो हम ये कह सकते हैं कि समस्त वस्तुओं के कुल उत्पादन को जब हम देखेंगे, जिसको हम एक सरल रूप में राष्ट्रीय आय के रूप में परिभाषित करते हैं, देश का कुल उत्पादन, और जब कुल उत्पादन का मतलब है समस्त वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, और जब समस्त वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा तो ये समग्र होगा। तो और इस समग्रता में से जब हम, और जब ये समग्र होगा तो इसका मतलब है देश में जितने लोग हैं वो जितना कुछ कमाते हैं, जितना कुछ उपभोग करते हैं, सारे आय व्यय बचत निवेश सब कुछ जुड़ता है, तो ये हमारा कुल उत्पादन या राष्ट्रीय आय बनती है। तो ये अपने आप में समग्र है, और इस समग्रता में से जब हम छोटे छोटे टुकड़ों का, एक व्यक्ति का, एक फर्म का, एक परिवार का अध्ययन करते हैं, उनकी आर्थिक क्रियाओं का, तो ये अध्ययन उसका सूक्ष्म रूप। और ये भी एक बात फिर हम आपको ध्यान दिला दें कि क्योंकि ये जो समग्र है ये इन्हीं वैयक्तिक इकाइयों का समग्र है, इनका टोटल है, इसका मतलब है कि ये समग्र जो इकाई, जो वैयक्तिक इकाइयां हैं उपभोक्ता के रूप में, उत्पादक के रूप में, फर्मों के रूप में, परिवारों के रूप में, या समस्त वस्तुएं जो हैं उनका उत्पादन और उपभोग है, ये सब जो है इन सब का टोटल समग्र होता है। इसका मतलब इन सब को मिला के ही ये समग्र बनता है। इसका मतलब समग्र जो है वो इस पूरे समग्र का, ये जो वैयक्तिक इकाइयाँ हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, उसके संगठक अंग हैं। संगठक अंग का मतलब है जिन इकाइयों को मिला 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 के ये समग्र बना हुआ है। तो इस रूप में ऐसा नहीं है कि जो वैयक्तिक इकाइयां हैं और जो समग्र है वो दोनों अलग अलग हैं, नहीं, इस समग्र का ये संगठक अंग है। लेकिन ये जो संगठक अंग हैं ये छोटे हैं, सूक्ष्म हैं। ये संगठक अंग बड़े बड़े भी हो सकते हैं। वैसे जैसे अगर हम ये कहें कि ये देश का कुल उत्पादन है, टोटल प्रोडक्शन है, टोटल आउटपुट, इसको हम नेशनल इनकम कह रहे हैं,
अब इस टोटल आउटपुट को हम सामान्य तौर पर अगर बांटे तो तीन भागों में जैसे हम लोग बांटते हैं, जब हम ये कहते हैं कि वो उत्पादन जो प्राइमरी है, कृषि क्षेत्र का उत्पादन जिसको हम कहते हैं प्राथमिक कृषि उत्पादन, और इसी तरह से हम कहते हैं ये सेकेंडरी या इंडस्ट्री, और इसी को हम कहते हैं टर्सियरी, और जिसका मतलब होता है कि सेवा क्षेत्र का उत्पादन। तो हम ये कहते हैं कि कुल उत्पादन को तीन भागों में अगर आप बांटें तो एक होगा कुल कृषि क्षेत्र का उत्पादन, जिसका मतलब है कि कृषि क्षेत्र में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, उपभोग की जाती हैं, उन सब का टोटल। इसी तरह से औद्योगिक क्षेत्र में जितनी वस्तुएं उत्पादित होती हैं उन सब का टोटल, इसी तरह से सेवा क्षेत्र का कुल टोटल। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो टोटल है ये बहुत बड़ा है, मतलब संपूर्ण कृषि क्षेत्र का कुल उत्पादन है, संपूर्ण कृषि सेवा क्षेत्र का उत्पादन है, संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन है, और इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये कुल उत्पादन होता है। तो एक तरह से ये इसको भी समग्र कहा जाएगा, और ये को आप कह सकते हैं ये महासमग्र ग्रैंड टोटल है। तो इस ग्रैंड टोटल का भी बड़ा बड़ा समूह बनेगा, और तो ये बड़ा समूह होगा, ये माइक्रो होगा। और जब हम एक एक इंडिविजुअल इकाइयों को देखेंगे, एक एक वस्तु को टोटल को देखेंगे, तो ये जो है सूक्ष्म या बेस्ट ही होगा। तो इस दृष्टि से संगठक अंग जो हैं समग्र के, वे सूक्ष्म में हो सकते हैं, वो लार्ज हो सकते हैं। जब ये लार्ज होंगे, और लार्ज होने का मतलब अपने में वो टोटलिटी या एग्रीगेशन या समग्रता को अभिव्यक्त कर दें, और पारंपरिक तौर पर या जैसा व्यवहार में हम जानते हैं ये जो समग्रता है ये विशाल है, बड़ी है, और वो समग्रता जो है वो बहुत छोटी है। किसी एक वस्तु के उत्पादन की जब हम चर्चा करते हैं तो ये कुल उत्पादन का एक छोटा सा अंश होगा, और उसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र या माइक्रो कहेंगे, और जब ये संगठक अंग बड़े बड़े होंगे तब हम इसको माइक्रो कहेंगे। तो संगठक, यद्यपि हम ये कह रहे हैं कि अगर इस रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो है वो संपूर्ण है, और जो माइक्रो है सूक्ष्म है वो उसके संगठक अंग हैं। लेकिन जब संगठक अंग कहते हैं तो किसी तरह का भ्रम न रहे, ये संगठक अंग भी दो तरह से विभाजित होते हैं, एक वैयक्तिक इकाइयों के रूप में छोटे छोटे होते हैं, और एक बड़े बड़े समूहों के रूप में होते हैं। जब ये समूह बड़े होंगे तो ये माइक्रो का विषय होगा, जब ये समूह छोटा होगा, जैसे परिवार वाला समूह है, फर्म का समूह है, ये छोटा होगा तो ये आ जाएगा माइक्रो। तो ये हम आपको प्रसंगवत बता रहे थे कि ये धारणा हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि सूक्ष्म या माइक्रो, और माइक्रो अब आपके समझ आएगा कि बेस्ट क्यों इसको कहा जा रहा है। बेस्ट का मतलब व्यक्तिगत होता है, और इस व्यक्तिगत को हमने कहा कि ये जब व्यक्तिगत परिवार, वैयक्तिक परिवार, एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक वस्तु का उद्योग, ये एक 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 वस्तु, एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, छोटा सा एक परिवार, एक फर्म, जब हम ऐसा कहते हैं तो ये इकाइयाँ जो हैं ये वैयक्तिक हैं, इस नाते हम इसको व्यस्त कह रहे हैं अर्थात, और वो इकाइयाँ जो समूहों एग्रीगेट्स के रूप में होती हैं उनको हम समग्र कह रहे हैं। तो इस विश्लेषण के बाद अब हम एक दो परिभाषाएं देके समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे स्थितियाँ आपके सामने अब स्पष्ट हो चुकी हैं। तो एक अर्थशास्त्री है के ई मुरली, बोल्डिंग ने अर्थशास्त्र के जो विभिन्न विषय हैं उन पर बड़ा बृहद विश्लेषण किया है। इकोनॉमिक एनालिसिस करके उनकी पुस्तक है दो खंडों में, उसमें बृहद अध्ययन है, और वहाँ से सबसे सरलतम रूप जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी से माइक्रो का भाव भी निकल जाएगा। और
लेकिन उसको हम प्रसंग बस यहाँ उल्लेख नहीं करेंगे, केवल हम व्यस्ति को बताने का प्रयास कर रहे हैं। परिभाषा पढ़ रहा हूँ और मैं उसका अर्थ आपको हिंदी में बता वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और इस परिभाषा को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि वहाँ से आप इसे देख सकें और उसकी व्याख्या भी कर लेंगे। देखिए लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है अध्ययन है किस चीज का, पर्टिकुलर फर्म, ध्यान रखिएगा पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, प्राइस इंडिविजुअल वेज, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। और यही अध्ययन हम इसके पहले आपको बता चुके हैं आपको कि अर्थशास्त्र में जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक का अर्थ होता है कि वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन है, और ये वैयक्तिक इकाइयां वो कह रहे हैं कि एक फर्म हो सकती है, ये पर्टिकुलर हाउस होल्ड हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, और अगर हम कीमतों के रूप में जाएं तो किसी एक वस्तु की कीमत का अध्ययन हो सकता है, किसी एक उत्पादन के साधन का की अध्ययन हो सकता है, जैसे वेजेज उन्होंने लिख दिया, मजदूरियों का अध्ययन हो सकता है, लाभ का अध्ययन हो सकता है, और इसी तरह से इंडिविजुअल इनकम का अध्ययन हो सकता है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री का अध्ययन हो सकता है। देखिए फर्म और इंडस्ट्री दोनों शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, फर्म का मतलब एक समूह उद्योगपतियों का या उत्पादकों का, या इंडिविजुअल एक उत्पादक अलग रूप में, या किसी एक वस्तु की इंडस्ट्री या उद्योग, और इनका जब हम अध्ययन करते हैं, और इसी तरह से पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी एक वस्तु का मूल्य, किसी एक वस्तु का उत्पादन, इस तरह से जब हम अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन को हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय मानते हैं। यही अभी जैसे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स के संदर्भ में बताया, तो एक परिभाषा है प्रोफेसर जे के मेहता की, वो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ होल, होल का मतलब संपूर्ण, तो जब हम संपूर्ण का अध्ययन करते हैं तो ये अध्ययन जो होता है ये माइक्रो या समष्टि होता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, अर्थात जो ये संपूर्ण है इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स है, इसके जो छोटे छोटे संगठक अंग हैं, और जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स कहते हैं तो प्रोफेसर मेहता के कहने का मतलब है कि जितने छोटे छोटे पार्ट्स हो सकते हैं उन सब का अध्ययन जब हम करते हैं, तब जिन को मिला मिला के ये संपूर्ण बना है, जैसे हमने कहा कि एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति, एक एक उत्पादक, एक एक उपभोक्ता, ये इसकी वैयक्तिक इकाइयां हैं, और इन सब को मिला करके पूरा एक इकोनॉमी बनती है, एक अर्थव्यवस्था बनती है जिसका हम संपूर्ण कहते हैं, तो उसके जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, संगठक अंग हैं, उनको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, और इनकी संपूर्णता के संदर्भ में या समग्रता के रूप में जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो ये समष्टि अर्थशास्त्र। एक अर्थशास्त्री हैं ए पी लर्नर, और ए पी लर्नर ने बहुत बृहद अध्ययन समष्टि और व्यष्टि के संदर्भ में किया, और ये दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को अलग अलग रख के अध्ययन नहीं हो सकता, व्यष्टि और समष्टि दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, और इस रूप में एक तरह से ये अर्थशास्त्र के को पढ़ने का या इसको दो भागों में बांटने का एक रूप हो सकता है, लेकिन ये दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, बस दोनों के जो अध्ययन का तरीका है वो थोड़ा, एक में हम बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं और एक में हम समग्र रूप में अध्ययन करते हैं, तो उसके जो संगठक अंग हैं उनको बहुत ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम समग्र रूप में अध्ययन करते हैं, तो इस समग्रता का मोटे तौर पर अध्ययन करना और उसके विभिन्न अवयवों का सूक्ष्मता से अध्ययन करना,
और इस अध्ययन को उन्होंने एक बड़े सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि ऐसे मान लीजिए कि जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप मनुष्य के शरीर को देख लीजिए, तो मनुष्य का शरीर अपने आप में संपूर्ण है अगर उसको संपूर्ण माने, लेकिन उस शरीर के भीतर जो आपके ब्लड सेल्स हैं, जितनी भी चीज़ें शरीर में हैं, ये असंख्य हैं। और यदि हम इन ब्लड सेल्स का एक एक कोषाणुओं का अध्ययन करते हैं, और आप देखते हैं बीमारी के दौरान हम माइक्रोस्कोप से जितने भी हमारे यंत्र होंगे उनको जांच करने वाले, उनसे हम उन एक एक कणों को क्या अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि कौन सी बीमारी है, कौन सा तत्व घटा है, कौन सा बड़ा है। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक अध्ययन है, ये सूक्ष्म है, जो एक एक सेल्स जो हैं इस ऑर्गेनिज्म के, उसका अध्ययन करते हैं। और समष्टि में हम जो है इस सूक्ष्मता से अध्ययन नहीं करते, हम एक तरह से ओवरऑल अध्ययन करते हैं। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो एक लर्नर की जो एक तरह से जो विचार है वो मैं पढ़ रहा हूँ और आपको हिंदी में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और वो ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ये अर्थव्यवस्था से उस अर्थ संबंधित है जिसमें हम अर्थशास्त्र को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। कैसे देखते हैं? वो जिस रूप में है अर्थव्यवस्था, उस रूप में कैसे देखते हैं? टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी। ये इकोनॉमिक, ये जो आर्थिक निकाय है जिसको हम एक अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहे हैं, और उसमें जो विभिन्न सेल्स हैं, जो विभिन्न कोषाणु हैं, छोटे छोटे इकाइयाँ हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और जो देखते हैं तो क्या कर कैसे देखते हैं? टू सी आउट द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी इकोनॉमिक। और ये मिलियंस ऑफ सेल्स हैं क्या? द इंडिविजुअल्स आर हाउस होल्ड्स। ये वैयक्तिक व्यक्ति हैं, उपभोक्ता के रूप में, उत्पादक के रूप में, या ये परिवार हैं, या एज कंज्यूमर्स के रूप में। एंड द इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और उत्पादों या वस्तुओं के उत्पादन करने वाली ये फर्में हैं या विशेष उत्पादक हैं, और जो वैयक्तिक रूप में हैं। प्ले देयर पार्ट्स इन द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म। ये जो हमारी संपूर्ण आर्थिक निकाय है, उस आर्थिक निकाय में, उस अर्थव्यवस्था में, ये वैयक्तिक उत्पादक, वैयक्तिक फर्में और हाउस होल्ड किस प्रकार से अपनी आर्थिक क्रियाएं संचालित करते हैं, और उसको हम बहुत सूक्ष्मता से माइक्रोस्कोप के से देखने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब है कि हर एक एक यूनिट, एक एक इकाई की, हर एक एक की आर्थिक गतिविधि का हम बहुत सूक्ष्मता से जब अध्ययन करते हैं, तो इस अध्ययन को हम कहते हैं ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है। और यहाँ पर वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, हर एक एक छोटी से छोटी इकाई का, चाहे वो वस्तु के रूप में, चाहे व्यक्ति के रूप में हो, उत्पादक की इकाई हो या उपभोग की इकाई हो, उनके क्रियाविधि को, उनके क्रियाकलापों को हम सूक्ष्मता से अध्ययन जब करते हैं, तो इस अध्ययन को हम कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है। तो ये मेरे ख्याल से सारी चीज़ें व्यष्टि अर्थशास्त्र के एक रूप में स्पष्ट हो गई हैं। और अब हम, बहुत मेरे पास समय कम है, तो हम ये देख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र क्या है, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पढ़ते क्या है। तो हम इसको उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण, इस रूप में अगर देखने का प्रयास करें, तो उपभोग के चैप्टर में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हम किसी एक उपभोक्ता का अध्ययन करेंगे। वो उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करेगा, तो उस वस्तु की मांग, उस वस्तु का मूल्य, ये उपभोक्ता द्वारा तैयारित होगा। उस वस्तु का उत्पादन कितना होगा, ये उत्पादक तय करेगा, और ये उनकी लागत की दशाओं पर, मांग की दशाओं पर तमाम स्थितियों में अध्ययन होंगे। तो इस दृष्टि से उपभोक्ता का जितना भी व्यवहार है, सीमांत उपयोगिता से संबंधित विश्लेषण,
जो जिस पर हमारा मांग निर्भर करती है, वैयक्तिक मूल्यों का निर्धारण, मांग पूर्ति के सिद्धांत, उपभोक्ता के अतिरेक के सिद्धांत, और इस पर जो जितने भी विश्लेषण हुए हैं प्रारंभिक से लेकर सीमांत उपयोगिता से लेकर अनधिमान पक्ष तक, रिवेल प्रेफरेंस थियरी तक, ये सारे विश्लेषण जो उपभोक्ता से संबंधित होंगे, ये उपभोक्ता का जो इक्विलिब्रियम संस्थिति है, जिसका मतलब होता है कि किसी वस्तु का अगर मूल्य दिया हुआ हो तो उत्पाद उपभोक्ता जो है उस वस्तु की कितनी मात्रा उपभोग करे जिससे उसके संतुष्ट का स्तर अधिकतम हो जाए, तो ये सारे अध्ययन जो उपभोग के हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के विषय हैं। इसी तरह से जब आप उत्पादन में जाएंगे तो वहाँ पर उत्पादन का व्यवहार, उत्पादन में कोई उत्पादक का संतुलन, जो पैमाने के नियम हैं और उसके उत्पादन के नियम हैं, ये सारे अध्ययन जो हैं वे अध्ययन जो है उत्पादक से संबंधित होंगे, और इन अध्ययनों को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय बनाएंगे। जब हम विनिमय वाली स्थिति में जाएंगे जिसमें हम देखेंगे वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, तो बाजारी जो किसी बाजार व्यवस्था में ये मूल्य निर्धारण होगा, फिर बाजारों के कई विभाजन होंगे, पूर्ण प्रतियोगिता होगी, अपूर्ण प्रतियोगिता होगी, एकाधिकार होगी, अल्पाधिकार होगी, इन बाजारों में मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है, और ये मूल्य किसी वैयक्तिक इकाई के होंगे, किसी एक वस्तु के मूल्य होंगे जो बाजार के विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न बाजार के विभिन्न दशाओं के अंतर्गत निर्धारित किए जाएंगे, तो ये मूल्य निर्धारण वैयक्तिक इकाइयों के मूल्यों के निर्धारण की जो समस्या है, ये सारे अध्ययन जो है ये वैयक्तिक विषय होंगे इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगे। जब आप वितरण के चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे उत्पादन के साधनों का मूल्य निर्धारित होगा। उत्पादन के साधन का मतलब उत्पादन का एक साधन और उसकी एक यूनिट अर्थात एक श्रमिक का मूल्य कितना होगा, पूंजी का मूल्य मजदूर ब्याज दर कितना होगा, पूंज के लगान कितनी होगी, उत्पादक का लाभ कितना होगा, तो ये जो है और किस प्रकार से इनका निर्धारण होगा, इनके मूल्यों का, ये सारी समस्याएं, लगान का निर्धारण, मजदूरी का निर्धारण, ब्याज का निर्धारण, इसका लाभ का निर्धारण, ये सारे व्यक्तिगत हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय होंगे। और इसी प्रकार एक और समस्या है जो केवल नामोल्लेख यहाँ किया जा सकता है, और वो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणवादी अर्थशास्त्र। और कल्याणवादी अर्थशास्त्र में हम अंतर वैयक्तिक तुलना के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं में इस तरह से हम रीएलोकेशन करते हैं, साधनों का पुनर्वितरण करते हैं जिससे हम समाज कल्याण को अधिकतम कर सकें, और वहाँ पर ये प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में पुनर्गठन हो, विभिन्न व्यक्तियों को किस तरह से साधनों का आवंटन हो किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था में समाज का कल्याण अधिकतम हो जाए। तो विशेष रूप में जहाँ साधनों के एलोकेशन की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो एलोकेटिव इफिशियंसी है उसको हम इस माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत या इस वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो संक्षेप में हमने विषय वस्तु को एक संक्षेप